करो, हो गया। नमस्कार साथियों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। और आज मैं बताने वाला हूँ कि कोविड-19 के बारे में, जो कि आज पूरा वर्ल्ड का सबसे बड़ा समस्या है। हम लोग मास्क का नाम नहीं जानते थे, लेकिन आज के तारीख में मास्क लगा के चल रहे हैं। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि पूरा दुनिया आज के तारीख में कोविड-19 में बीमारी वायरस के चलते पूरा दुनिया परेशान है, और अभी तक वैक्सीन का ट्रायल ही हो रहा है। लेकिन इसके बीच में अभी एक खुशखबरी आई है कि जनवरी या मार्च तक वैक्सीन का सफल परीक्षण हो जाएगा। अभी 3-4 हज़ार लोगों के बीच में ये वैक्सीन का ट्रायल चल रहा है। तो इस बीच में अभी बहुत अच्छा खुशखबरी मिला है कि कोरोना का वैक्सीन तैयार हो गया है। तो जैसा कि आप जानते हैं कि अगर हम पूरा वर्ल्ड का बात करें, तो आज के तारीख में 6 करोड़ 31 लाख केस पूरा वर्ल्ड में अलग अलग देशों में फैला हुआ है। और वहीं पर अगर हम मरने वालों की बात करें पूरा वर्ल्ड में तो 14 लाख 15 लाख लोग आज कोविड-19 की वजह से इस दुनिया से चल गए। और हमारे जो पूर्व मुख्यमंत्री राष्ट्रपति थे, वो भी आज इस दुनिया में नहीं हैं। उनका भी मृत्यु कोविड-19 की वजह से हुआ, जो कि हमारे पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी थे। और जैसा कि आप जानते हैं कि दूसरा अगर हम बात करें कि अभी वर्ल्ड में कितना एक्टिव केस है 1 करोड़ 83 लाख आज के तारीख में एक्टिव केस है। और वहीं अगर हम बात करें कि कितना लोग रिकवर हुए थे, तो वो संख्या है 4 करोड़ 33 लाख। तो ये मोटा मोटी एक आंकड़ा है जो अलग अलग जगह से रिसर्च हो के पहुंचा है, जो कि एक सॉलिड तो नहीं बोलेंगे, लेकिन मतलब इतना संख्या में लोग बीमार पड़े। तो जैसा कि आप जानते हैं दोस्तों, ये बीमारी अभी हमारे इंडिया में कितना है। अगर हम इंडिया में बात करें, 9 लाख के आसपास में हमारे इंडिया में पहुंचा है, और इससे मरने वालों की संख्या 1,37,000 के आसपास में है। और वही रिकव मतलब इस बीमारी से लड़ के जो विजयी हुए, आपने टीवी में देखा होगा कि जो कोरोना से विजयी हुए उनको फूल माला के साथ हमें बुलाया, मतलब घर वापसी किया, डॉक्टर लोग ताली बजा के स्वागत करते हुए उनको घर में लाया गया था। तो वो केस 88,87,88 लाख है। तो इस तरह से पूरा दुनिया में कोरोना एक बहुत बड़ी समस्या है दोस्तों। हम जिधर भी जाते हैं आज के तारीख में, किसी के पास पैसा नहीं है, और बहुत क्राइसिस में ज़िंदगी बीत रहा है। और इस बीच में भी एक बहुत बड़ी समस्या है चाइना। आज के तारीख में 47 ऐप उसका बंद करते हुए हमारे प्रधानमंत्री ने सर्जिकल स्ट्राइक किया है, लेकिन इसके बावजूद भी चाइना कुछ ना कुछ गड़बड़ कर ही रहा है। तो वीडियो देखने के लिए दोस्तों धन्यवाद। मैं कोविड-19 पर और भी वीडियो बनाऊंगा, तब आप लोग को पहुंचाऊंगा। तब तक के लिए बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।